चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झज्जर से जानकारी है जहां पर कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स को धमकी मिली है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। कुलदीप वत्स को जान से मारने की धमकी दी गई है। हथियारबंद बदमाशों ने घर जाकर धमकी दी है। बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स, पुलिस ने मामला जो है उनके खिलाफ दर्ज किया है और जांच भी शुरू कर दी है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो कुलदीप वत्स को हथियारबंद बदमाशों ने घर जाकर ये धमकी दी है। ये बेहद गंभीर मुद्दा, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। तो इसी बीच झज्जर से हमारे सहयोगी जगदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं खबर पर अधिक जानकारियों के साथ। लाइव उनका रुख कर लेते हैं। जगदीप, जानकारी आपसे सबसे पहले इस विषय पर लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहां पर हथियारबंद बदमाशों ने धमकी दी है, इसके बाद से क्या कुछ कहना है विधायक का, क्या कुछ कहना है कुलदीप वत्स का? देखिए, विधायक का कहना है कि मुझे नहीं पता ये कौन लोग थे, क्यों आए थे, इनका मकसद क्या था। लेकिन यहां मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब से पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, उसके बाद से आप देखेंगे कि हरियाणा में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। परसों भी अनिल विज जी ने एक बयान दिया था कि जो तीन विधायकों को पहले धमकी मिली थी, उसको लेके भी बयान दिया था कि एक SIT गठित की गई है और इन लोगों पर, ये कौन लोग हैं, धमकी देने का इनका मकसद क्या है, उन सारी चीजों पर नजर रखी जाएगी। SIT पूरी छानबीन करेगी और लोकल पुलिस भी छानबीन करेगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि लगातार इस तरह की वारदात बढ़ रही है, जो कि नेताओं को या अन्य जो समाज में पैसे वाले आदमी इस तरह की, अभी बहादुरगढ़ में भी एक घटना हुई थी जो कि एक फिल्म निर्माता से 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन लोकल पुलिस लगातार इन पे काम भी कर रही है। बहादुरगढ़ वाली घटना की मैं जिक्र कर रहा था, तो उसमें पुलिस ने करीब 48 घंटे के अंदर वो पूरा मामला ट्रेस कर लिया था और शायद जल्द ही ये कुलदीप वत्स वाला मामला भी ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि आसपास की जितनी CCTV थी वो सब सील कर लिए गए हैं। सभी CCTV फुटेज की मदद से उन लोगों को पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये लोग कौन थे और इनकी मंशा क्या थी। जी जानकारी जगदीप, आपसे यहाँ पर ये भी लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से कुलदीप वत्स को धमकी दी गई है, साथ ही साथ सिद्धू मूसेवाला का भी जिक्र इस बीच किया गया, ऐसे में प्रशासनिक अमला किस तरीके से अलर्ट हो गया है इस धमकी के बाद? देखिए, उनके मकान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कुलदीप वत्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द ये लोग जो भी होंगे इस इलाकों के पीछे होंगे, पुलिस की गिरफ्त में होंगे, क्योंकि CCTV और अन्य जो भी पुलिस के मुखबिर होते हैं उनकी मदद से इन लोगों तक पहुंचने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है और जल्द ही शायद पुलिस इनके गिरफ्तार तक पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल जगदीप, देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर प्रशासनिक अमला किस तरीके से कार्रवाई अमल में लेकर आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचा